सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। मैं राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल भंवर आप सभी के सामने प्रणाम करता हूं। ये एक पावन धरा है, जैतपड़ा एक छोटा सा गांव है, यहां से सबको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बॉडी नहीं बनती है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं क्योंकि फिटनेस का चैनल चलाता हूं, फिटनेस की ट्रेनिंग देता हूं। तो फिटनेस से संबंधित हर आदमी चाहता है कि सर से कुछ ना कुछ राय लें, जिससे भी मिलने हैं कि सर हमको बॉडी बनाना है, मजबूत बनना है, ये करना है, वो करना है। सोच तो बहुत अच्छी है, बोलते ना हमें अमीर बनना है, मजदूरी कर रहे हैं और सपने अमीरी की देख रहे हैं, लेकिन उसके लायक आपको काम करना पड़ेगा। तो बॉडी बनाना, बनाना कहना बहुत आसान है और उसको बनाना बहुत खतरनाक है। बहुत सारे जरा सा पाउडर खा लेते हैं, थोड़ी सी उम्र में कुछ बॉडी बना लेते हैं, वो वाला सिस्टम हो जाता है ना, पेड़ को पानी डालो और पानी नहीं डालो तो मुरझा जाएगा, ऐसे कैसे वो पाउडर वाला सिस्टम हो गया। दो दिन जिम गए, बढ़िया पाउडर खाया, बढ़िया फूल गए, वापस सिस्टम में बन नहीं पाया पाउडर, तो वापस ठंडे हो गए। दोस्तों, आपको बॉडी बनाना है, समाज में रहना है, समाज में स्मार्ट दिखना है, एकदम तगड़ा दिखना है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ जानकारी दे रहा हूँ। वो अगर आपके दिमाग में घुसे तो निश्चित रूप से आप बॉडी बना सकते हैं। बाकी आप सपने देखना कंटिन्यू जारी रख सकते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन बॉडी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। तो आ जाओ दोस्तों, ये है हमारा निशुल्क फिटनेस क्लब रतलाम, मिशन राष्ट्रपुत्र सुंदरलाल भंवर। जो राष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को या राष्ट्र के युवाओं को एक फिटनेस के लिए तैयारी करवाता है, राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत करके युवाओं को सेवा के लिए भेजते हैं, जैसे आर्मी हुई, पुलिस हुई। तो ऐसे आज मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बहुत सारे बंदे जो जहां जाता हूं समाज में, तो सर बॉडी बनाना है, बॉडी नहीं बन रही है। इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको दे रहा हूं, उन चीजों को ध्यान से सुनना भाई। बॉडी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और लगन रखना पड़ेगा, लगन उसके प्रति, बॉडी बनाने के प्रति। एक दिन सोच लिया तो काम नहीं चलेगा। इसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। पहले तो सबसे पहले मेहनत की जरूरत है, मेहनत के बाद लगन होनी चाहिए, लगन के बाद आपको निरंतरता चाहिए, आप कंटिन्यू बना के रखेंगे। फिर आपका संगत कैसा है, फिर आपको समय देना पड़ेगा उसके लिए, आपका भोजन व्यवस्था कैसा है, डाइट कैसी है, और बुरे जो विचार है आपके अंदर, युवा अवस्था में बॉडी हर आदमी बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ये चीजें मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि भारत हमारा बहुत महान देश है, युवाओं का देश है। जब जब इस देश पे विपत्ति आई है, जब जब ये देश संकट में रहा है, युवाओं ने ही सहयोग किया है, युवाओं के माध्यम से ये देश संकट से उबर पाया है। जैसे आप महाराणा प्रताप ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए, भगत सिंह ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, भगवान राम को ले लीजिए। तो जब जब इस देश पे विपत्ति आई है, युवाओं ने भरपूर सहयोग दिया है, पर आज की पीढ़ी मोबाइल की वजह से, मोबाइल में डूब गई है, जिसकी वजह से उनके शरीर व्यवस्थित हो नहीं पा रहे हैं, फिटनेस का शिकार, मतलब फिटनेस नहीं बन पा रही है, और कह रहे हैं कि हमें बॉडी बनाना है। तो दोस्त, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बॉडी बनाने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है। एक दिन गए, दो दिन गए, चार दिन गए, दोस्त के साथ गए और पांच दिन बाद वापस घर बैठ गए कि बॉडी नहीं बन रही है, मेरे भाई उसके लिए आपको 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। 2-3 महीने आप देते हैं तो आपके बॉडी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। यही चीज है, तो ये ऐसी कोई चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना बॉडी बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और समय आपको उसके लिए देना पड़ेगा। तो कम से कम 2-2.5 महीना, 1 महीना तो आपको देना पड़ेगा शुरुआती में। यूं नहीं कह रहा हूं कि 2 महीने में आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन 2 महीने में आपके शरीर में अपने आप आपको अंतर लगने लग जाएगा। सबसे पहले आपको 2 से 3 महीने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आगे समझ में, सबसे पहले 2-3 महीने आप उस काम के प्रति अच्छे से दो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, आपकी लगन होनी चाहिए। आप डेली 2-3 महीने जाके वहां टाइम पास करके आ रहे हैं, दुबले बिना नहाए धोए, बिना फ्रेश हुए ग्राउंड पहुंच गए या जिम पहुंच गए और ऐसे लटक के आ रहे हैं। तो दूसरा, आपका लगन होना चाहिए, नहीं मेरे को बॉडी बनानी है। सुबह शाम हो सकता है समय निकल गया, तो समय को छोड़ के भी आप जा सकते हैं। ये हो गया उसके प्रति लगन, एकदम कि हाँ, दृढ़ संकल्प, नहीं भाई मेरे को बॉडी बनाना है। तीसरा, हम निरंतरता, निरंतरता बोले तो उसको कंटिन्यूटी, आप भाई आपको निरंतर जाना रहेगा। आप चले गए 3 दिन गए, 7 दिन उधर दादा की शादी में चले गए, मामा की शादी में चले गए, बुआ के घर चले गए, उससे काम नहीं चलेगा। जहां पे भी जाए आप, अपने फिटनेस के प्रति आपको चिंतित रहना पड़ेगा।
निरंतर रहना पड़ेगा, लगातार जाना पड़ेगा, जब जाके आपके शरीर का कहीं विकास हो सकता है। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि आप सालों मेहनत करो, एक महीना घर बैठ जाओ, वापस आपका शरीर रोटेशन से निरंतर नीचे आ जाएगा, क्योंकि खान पान ही ऐसा हो गया है। तो दोस्त, आप इसको समय बिना गवाए, आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये पॉइंट है, इसको नोट करें और अपने साथियों को भी नोट कराएं जो इसके इच्छुक हैं। आगे वाला पॉइंट हम बढ़ते हैं दोस्त, समय। इसमें आपको समय देना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि यार आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कोचिंग जाऊं कि ये जाऊं कि शरीर बनाऊं कि पढ़ाई करूं कि उसकी करूं, लेकिन आधुनिकता है, इस दौर में आपको सर्वगुण संपन्न रहना पड़ेगा। आप सोचे कि मैं पढ़ाई कर लूं बाद में बॉडी बना लूंगा, भाई बॉडी नहीं बनाया, उधर हो सकता है आप शरीर का ऐसा हालत कर लिया तुम पढ़ते पढ़ते ही मर जाओ, हो सकता है उससे भी वंचित रह जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको सर्वगुण संपन्न रहना है, हिम्मत नहीं आना है, और इसलिए आपको समय देना है। एक जगह समय नहीं देना है, हर समय सर्वगुण संपन्न समय देना आपको, खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, खाने में, और बॉडी को आज आधुनिकता को यही चाहिए। दूसरा, आपका संगत कैसा है। आप बॉडी बनाना चाह रहे हैं, आपका मित्र आपको दारू पिलाना चाह रहा है, आपका दोस्त आपको बीड़ी सिगरेट पिलाना चाह रहा है, आपका दोस्त आपको कॉलेज में घुमाना लेना चाह रहा है, एक दोस्त ऐसा है जो बोले चलो अपन बाजार में घूमने चलते हैं, और एक दोस्त ऐसा है कि नहीं यार अपने को शरीर बनाना है, अपने को फिटनेस बनाना है, अपने को कुछ करना है जो आपको एक उन्नति की ओर ले जाना चाह रहा है। तो आप अपने संगत को चुनना है कि आपको कौन सी संगत आपको आपकी ओर ले जाना है। वो दोस्त जो आपको पार्टी शार्टी में कह रहा है कि क्या तू मेरा दोस्त नहीं है, वो दोस्त जो आपको बर्थडे पार्टियों में ले जा रहा है, वो दोस्त आपको शराब पार्टियों में ले जा रहा है, वो दोस्त आपको घूमने के लिए ले जा रहा है, आपको करियर को बर्बाद करने के लिए ले जा रहा है, वो दोस्त नहीं, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं बता देता हूं, वो आपको, वो दोस्त जो आपको, आप गलत रास्ते पे हैं तो आपकी आपकी बुराई आपके माँ बाप के साथ कर रहा है, आपके आपको अच्छे रास्ते पे लाने के लिए आपको वो बुरा लग रहा है, लेकिन भविष्य का वो बहुत बड़ा दोस्त है। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आप उसको पूरा देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और ये स्पेशली ये सब मेंटेनेंस मैंने आप लोगों के लिए किए हैं। इस मिशन राष्ट्रपुत्र का उद्देश्य इस देश के बेरोजगार युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो एक अच्छे रास्ते से बुरे रास्ते की ओर भटक रहे हैं, इसलिए मैंने एक रास्ता चुना है जिसका नाम है मिशन राष्ट्रपुत्र। इस देश के बेरोजगार युवाओं को राष्ट्र के सेवा के लिए एक मजबूत रूप से उतारना, ये हमारा उद्देश्य है। अगला, हम जो संगत हो गया, समय हो गया, हम जो हमारी डाइट है दोस्तों, अगर मेहनत भी कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी नहीं बन रही है, तो उस पे अपन को भोजन पे ध्यान देना है, संतुलित भोजन करना है, प्रोटीन वाली चीजें खाना है। प्रोटीन वाली चीज में सॉरी मैं और बताने वाला हूँ कि बहुत सारे आप जब जिम में जाएंगे, दो दिन जिम नहीं करेंगे उससे पहले आपको डिब्बे पकड़ा देंगे, ये लीजिए इससे अच्छी बॉडी बन जाएगी, कुछ नहीं बनना है उससे, आपके करियर को बर्बाद करना है। आप मेहनत कीजिए, सादा भोजन कीजिए, हरी साग सब्जियां खाएं, और चना मूंगफली आपकी जो दालें हैं इनको गला के आप बाकायदा उसमें खाइए, दूध लीजिए, वो अपना केला वगैरह लीजिए, निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। अन्यथा किसी के आप चक्कर में पड़ गए, बहुत जल्दी आपका शरीर फूल भी जाएगा लेकिन जो आप शरीर बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। तो ये भोजन है, भोजन डाइट व्यवस्था है, डाइट व्यवस्था में आपको संतुलित भोजन लेना है। तो निश्चित रूप से यदि आप संतुलित भोजन लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको किसी भी पाउडर फाउडर की जरूरत नहीं है, आप 100% निश्चित रूप से एक मजबूत शरीर बनाकर, एक फिट शरीर बनाकर आप समाज के सामने खड़े होंगे, और लोग आपसे पूछेंगे कि भाई तू कहां से शरीर बना के आया है, कहीं थोड़ी बहुत टिप्स मेरे को भी दे। तो ये हो गए आपके बहुत सारी चीजें, ऐसे कोई चीजें छूट भी रही हैं जिसको आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं आखिरी एक और पॉइंट बता देता हूं कि दोस्त आप मेहनत बहुत करते हैं, युवा अवस्था होती है, तो आखिरी का एक बुरे विचारों का अंत करना है। आप मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया गाने सुन रहे हैं, ब्लू फिल्म टाइप आती है जो आप देखते हैं, जिसकी वजह से शरीर का नाश होता है, आपके शरीर में दिमाग में बुरे विचार होते हैं, जिससे जो अपना एक शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट हो मजबूत होता है जिसको वीर्य कहते हैं, वो जो जिसका नाश हो जाता है, जिससे आपको जो एक मजबूत शरीर बनने के लिए एक मजबूत शरीर, फिट शरीर दिखने का रहता है, वो कमजोर हो जाता है। और ये विचार ऐसे होते हैं कि ये विचार आपके तो गलत लोगों के साथ रहने से, या गलत विचारों वाले लोग रहते हैं, या फिर आप कहीं गलत विचारों के जो दोस्त हैं उनके साथ घूमने फिरने से,
ये सब विचार इनसे आते हैं। तो इन विचारधारा वाले लोगों से आप दूर रहें। आप जब तक शरीर नहीं बने, जब तक आप अपने, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं जाके ऐसे गलत विचारों वाले लोगों से दोस्ती करें, लेकिन इन सब चीज़ों से, मूवी जो ब्लू फिल्म टाइप होती है, इन मूवियों से दूर रहें। और दूसरा, जो अपने ऐसे विचार नहीं लाने, ऐसे गाने नहीं सुनना है, मोटिवेशनल गाने सुनना है, देशभक्ति गाने सुनना है, जिससे अपना चेस्ट एक गर्व से मजबूत, एक हमेशा एक चौड़ा सीना लगे जहाँ पे कि नहीं यार मेरे को देश के लिए ये करना है। आप मोटिवेशनल गाने सुनेंगे और देशभक्ति गाने सुनेंगे दोस्त, मैं मेरी जिंदगी की कसम खा के कह रहा हूँ, एक अलग से आपका जज्बा दिखेगा, एक अलग से आपका जोश दिखेगा। और यदि आप फिल्मी गाने सुने और जैसी संगत आप करेंगे, वैसा के वैसा आपका शरीर भी बनेगा, आपका संगत भी जाएगा, आपका व्यवहार भी जाएगा। और शरीर बनाने की बजाय आप शरीर को गवा देंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताने का उद्देश्य यही था कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और एक फिटनेस के प्रति एक सजग रहें, मजबूत बने, राष्ट्र की सेवा करें। हमारा उद्देश्य यही था कि आप इन सब चीज़ों का त्याग करें, जो बताया उनको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को एकदम तगड़ा अच्छे से बिताएं। यही हमारा उद्देश्य है। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।